मैंने वीडियो बनाई है ऐसी ब्रीड जो अपने बच्चों पे नहीं बट दूसरे बच्चों पर हुक्म चलाने में बहुत मजे आते, अपने बच्चे नहीं बट दूसरों के बच्चों को जलील करने में बहुत मजा आता है। डायनासोर्स को अपनी उंगलियों पे नचा चुके हैं, शुरू से ही ऑथेंटिक रहे हैं। इनका नाम सोचने में ही मेरी रूह रूह कांप जाती है। रिश्तेदार जबरदस्ती मिलवाया जाता था इनसे, स्वयं इच्छा तो होती नहीं थी क्योंकि इतनी बकवास बातें, मन करता था कानों में गोली मार लूं। और ये ब्रीड तो मेरे पापा से भी भयंकर पात मारती थी। और क्या ही बात करूं, इनके आते ही जो तांडव शुरू होता था। बेटा अंश, अंश बेटा, अंश बेटा, बेटा अंश, बेटा अंश, आ रहा हूं। क्या है पापा? बेटा ये अंकल तुमसे मिलने आए हैं, जानते हो कौन है? याद करो, करो याद, करो याद, याद करो, याद करो, इनसे तुम कभी नहीं मिले हो। चेहरा देखो आपका। अरे बेटा तुम तो बहुत बड़े हो गए हो। बड़ा तो होऊंगा ही, अब आपकी नन्नू की तरह थोड़ी ना। बेटा ये क्या बातें कर रहे हो अंकल से? अंकल के पैर छुओ, छुओ। अरे नहीं नहीं बेटा, इसकी क्या जरूरत है? नहीं पैर छुएगा ये आपके, पैर छुओ, छुओ बेटा पैर। ठीक है आप रहने दीजिए बेटा, पैर मत छुओ, छुओ पैर अंकल के। बेटा मैं तो तुम्हारे बड़े भैया जैसा हूँ। बाल तो सारे झड़ गए आपके अंकल। अब इतना जलील और अपना कद्दू कटवाने के बाद चालू होता था मौत का कुआ। इतना तो मुझे अपने स्कूल के वाइवा में कभी डर नहीं लगा जितना मुझे रिश्तेदार Q&A में डर लगता। बेटा क्या एज है, कौन सी क्लास में हो, क्या करते हो, मुजरा मोटे क्यों हो गए हो, कोई लड़की फ्रेंड है, बड़े होके क्या करोगे, पॉटी करते हो, कोई महिला फ्रेंड तो नहीं है, कोई BF है, अगर BF है तो भी बता दो, हम तो बहुत ही खुली सोच के हैं बेटा, XYZ कोई भी लड़की जानते हो, कोई लड़की का नाम जानते हो, हमें बता सकते हो, तुम्हारा फेवरेट अंकल हूँ। एंड अगर भाई तू जॉब करता है, चाहे तू कितनी भी अच्छी जॉब करता हो, तू नहीं बच सकता, ये लोग तो ऐसे हैं रिलायंस में आके अंबानी को ठेस दे। बेटा ये जो तुम्हारी जॉब है, क्या करते हो, कितना कमाते हो, कैसे करते हो, क्यों करते हो? क्या जॉब है तुम्हारी? है जो हमारी बच्ची है वो तो USA में सेट है, 3 लाख कमा लेती है महीने का, बस और क्या चाहिए। बेटा तुम भी अच्छा कर रहे हो, जहाँ रहते हैं वहाँ खुश रहना चाहिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू बच्चा गॉट टैलेंट, स्पॉन्सर्ड बाय हरामी रिश्तेदार एंड पावर्ड बाय पेशाब अंकल। चलो बेटा आप कुछ करके दिखाओ, कुछ कर पाते हो, कोई टैलेंट है? सिंगिंग कर लेते हो, डांसिंग कर लेते हो? ये तो टूटा है, आपको लैप डांस दे दूं अंकल। कहाँ है टैलेंट? क्रिकेट खेलते हो? सचिन तेंदुलकर को जानते हो? सचिन मेरा फूफा लग रहा है। क्रिस्टियानो मेसी जानते हो? रोनाल्डो मेसी। चलो 100 उठक बैठक कर लोगे, पुशअप कर लोगे, अपने सिर के बल चल लोगे। अरे ये गोरिल्ला बहुत अच्छा बनता है बेटा, जल्दी गोरिल्ला बन के दिखाओ अंकल को, ऐसे करो जैसे तुम करते हो। पढ़ाई आती है? शाबाश बेटा, चलो तुम्हारा टेस्ट लेते हैं फिर। 19 की टेबल सुनाओ। 19 की टेबल सुनाओ अंकल को जल्दी। 19 वन 19, 19 2 38, 19। बेटा हम जब तुम्हारी उम्र के थे, ये टेबल तो हम नींद में गाया करते थे। नहीं
बड़ी गप। चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। 19 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
लेडीज इतनी भयंकर गप्पे मारती हैं, भले ही उनका बच्चा अभी हग ना पाता हो सही से, किसी लायक ना हो, उसे टू की टेबल ना आती हो, वन की टेबल ना आती, बट वो अपने बच्चों को ऐसे दर्शाएंगी कि ये शाहरुख खान है, सलमान खान है, अक्षय कुमार है। और सुसु तू किदा? मैं वधिया, आले तू मिठे दा डब्बा फड़। ओ वाह सुसु, आ किस खुशी च? मेरा बड़ा मुंडा यूएसए चला, यूएसए। सही दस, झूठ बोल रही है? ले झूठियां गल्ला कर दी है? नहीं। मूत पाजी नु भी कांग्रेट्स ते तिन्नु भी कांग्रेट्स? आहो वधिया है, वधिया, सगो बच्चे सेट हो जुगे बाहर जाके। उनु प्रेसिडेंट ने सड्या है, उदे बाद उने ते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है, मैं ता दस ही नहीं सकदी। चल वधिया है, मूत पाजी नु भी बड़ी टेंशन सी बच्चे दी, चल हुन खुश रहूगे। आहो हजे ता कैंसर दी दवाई बना रहा है। ओ तेरे फोन आ रहे, चक ला। ए ते टीचर दा स्पीकर ते पानी है, मैं तू भी सुन ले दी तारीफा। ए बड़ो आपका बच्चा है एक नंबर का शैतान है, कुछ नहीं आता इसे, नालायक चड्डी में पॉटी कर देता है, मैं क्या करूं इसका। आ गया तू? मम्मी मेनू पिज्जा खाना। यूएसए चला जा। वाइवा में अपनी चड्डी गीली करवाने के बाद, फ्री में मुजरा और जलील होने के बाद, इस कहानी की भी हैप्पी एंडिंग है। अबे कौन सी हैप्पी एंडिंग की बात कर रहा है तू अंकल, क्या करेंगे मेरे साथ? अबे वो वाली नहीं। ओके। इस पल का तो सबको इंतजार रहता था, इस पल का तो हर बच्चे 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 को इंतजार रहता था। चलिए भाई साहब अब हम चलते हैं, चलिए चलिए। अंश बेटा ये तो मैं भूल ही गया, अपना प्यार तो ले लो। हाँ अंकल। अरे पथरी जी इसकी क्या जरूरत है? ऐसे तो मैं देके जाऊंगा। चलिए आप इतना कह रहे हैं तो मैं रख लेता हूँ। चलिए ऐसा कर लेते हैं बेटा, तू इनसे ले लेना पैसे। थैंक यू। जाओ यार अंडी रोना मत करो, अंदर जाके करो बेटा। इतना सहने के बाद भी कुछ नहीं हो सका यार, लुट सा गया हूं। मजाक से हटके चाहे कुछ भी हो जाए जिंदगी में, रिश्तेदार आर दी ओनली कांस्टेंट, हमेशा रहेंगे और रहने भी चाहिए, आखिरकार ऐसे ही तो घर उजड़ते बसते हैं। हम हैं तो समाज है, समाज है तो गांडूपंती है। ऐसी कहानियां सुनाने में ही तो मजा आता है, जो अंकल दारू पी के लोट पोट हो जाते हैं डीजे फ्लोर पे। सो दैट वॉज इट फ्रॉम दिस वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर हाँ तो लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब कर लो, वरना योर क्रश विल लीव यू ऑन सीन। नहीं।